رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जो ग्रुप सूरत मुल्क से शुरू हो रहा है, इस ग्रुप की जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो अपने जहन में बिठा लें। इस पूरे ग्रुप की जो तालीमात हैं उसकी तीन डायमेंशन हैं, एक ईमान, एक हकूकुल्लाह और एक हकूकुल्लाह। ईमान आपको पता है कि उसकी भी तीन आगे डायमेंशन है, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत है और ईमान बिल रिसालत है। हकूकुल्लाह में जो यहाँ तीन चीज़ें बयान की जाएंगी, नंबर वन पे नमाज होगी। हर सूरत में तकरीबन आपको नमाज का जिक्र आएगा, हर सूरत में नमाज का जिक्र आएगा। उसकी वजह यह है कि ईमान के बाद जो पहली और आखिरी चीज़ है वो नमाज है। अभी सूरत मारिज में हमने देखा, आप इसको यूँ महसूस करें कि ईमान लाने के बाद फौरन कोई बंदा अगर मुसलमान आज हो अभी, उससे पहला हुक्म जो उसके ऊपर आएगा वो नमाज नहीं आएगा, और जब वो इस दुनिया से जाता है तो आखिरी भी गाँव नमाज पढ़ के गया होता है, तो नमाज तो हमें आखिर बंदे में होगी। उसके साथ जो जिक्र आता है यहाँ बार बार वो आता है, सब्बिह बिस्मि रब्बिक, तस्बीह कीजिए अपने रब की हम्द के साथ, तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम के साथ। ये जो तस्बीह करना, इसकी आगे इंशाल्लाह हम सूरत मुज़म्मिल में पहुंच के तफसील देखते हैं, लेकिन ये खास इन सूरतों का एक अंदाज है कि अपने रब की याद में मशगूल रहना हर वक्त हर दम। तीसरी जो चीज़ है वो सब्र है कि अपने रब की खातिर सब्र कीजिए, डट के रखिए। ये तीन डायमेंशन आती हैं हुकूक अल्लाह के एतबार से, और हुकूक इबाद के एतबार से जो तीन डायमेंशन आती हैं उनको भी समझ लें। पहला काम यह है कि अपने मामलात में और अपने ताल्लुकात में दुरुस्ती पैदा करना, नाप तोल में कमी ना करना, किसी को धोखा ना देना, ज्यादती ना करना, अमानतदारी अख्तियार करना, अहद की पासदारी करना, जो एक किसी भी बंदे को करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आती है हुकूक इबाद में, वो इंसानी हमदर्दी का यहाँ जिक्र आता है, बार बार जिक्र आता है इंसानी हमदर्दी का। यूँ महसूस होता है कि ईमान और इंसानी हमदर्दी तो लाजिम व मंजूम की हैसियत में यहाँ पेश किए जाते हैं, कि अगर दिन में इंसानी हमदर्दी नहीं है, गरीबों को खाना खिलाना, यतीमों के काम आना, मस्किनों के काम आना, ये चीज़ अगर नहीं है तो फिर बाकी सारी चीज़ों में इंसान फेल हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें यहाँ आएंगी। और फिर उसमें भी तीसरी चीज़ क्या है कि लोगों के साथ जो ताल्लुक है उसमें सबसे अहम हमदर्दी का ताल्लुक क्या है, कि उन्हें अपने रब की तरफ दावत दी जाए, कुरान मजीद की तरफ दावत दी जाए। तो दख़िर बिल कुरान, कुरान मजीद के जरिए उन्हें नसीहत कीजिए ये चीज़, और कुरान मजीद के जरिए उन्हें खबरदार कीजिए कि अगर जो रवैया उन्होंने अख्तियार किया ये उनके लिए नुकसानदेह होगा। जो भी इंसानी हमदर्दी के तहत इंसानों का हक समझते हुए उनको ये पहुँचाना दावत तबलीग, तो ये तीन डायमेंशन इसकी जहन में रखिएगा। अब इसमें करते हैं सूरह नूर पर। सूरह नूर की एक स्पेशल सूरत थी, सूरह कलम और सूरह हाफा का एक जोड़ा आया था, अब सूरह मारिज और नूर का एक जोड़ा आएगा और सूरह जिन आगे एक स्पेशल सूरत आ जाएगी। तो मारिज और नूर का जो जोड़ा है, तो मारिज में क्या मामला था कि एक मांगने वाले ने अजाब मांगा, जबकि कहा जा रहा था कि आप जरा अभी हौसला रखिए, अल्लाह ताला के दिन तो बहुत बड़े होते हैं और आप इनसे खूबसूरती के साथ सब्र कीजिए और आप दावत तबलीग का काम जारी रखिए। अब ये जब बात कहा कहीं कभी दावत तबलीग का काम जारी रखिए, तो जिक्र किया जा रहा है अपने बंदे नूह अलैहि सलाम का, कि जिन्होंने कैसी दावत तबलीग का हक अदा किया और क्या सब्र का इस्तारा बन गए वो दावत तबलीग के मैदान। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अरसलना नूहन, यकीनन हम ही ने भेजा था रसूल बनाकर नूह अलैहि सलाम को, उनको भी हमने भेजा था, और ये सिलसिला रिसालत में शुरू के रसूल ने तकरीबन इला कौमी उनकी कौम की तरफ, अन अंदर कौमा का कि खबरदार करो अपनी कौम को, खबरदार करके बचा लो अपनी कौम को। ये बड़ा रसूल का एक बड़ा खास किरदार होता है कि जो कौम को पकड़ पकड़ के उन्हें बचा रहा होता, तो बचा लो अपनी कौम को खबरदार करके, मैं पहले ही आती हूँ इससे पहले कि उन पर आ जाए अदाब अलीम, एक ऐसा अजाब जो बड़ा दर्दनाक है। और उन्होंने कहा या कौम, मैं मेरी कौम के लोगों, इन्नी लकुम नज़ीरुन मुबीन, यकीनन मैं हूं तुम्हारे लिए साफ साफ खबरदार करने वाला, अन इबुदुल्लाह वत्तकूह वअतीउनी। सीधे सीधे तीन काम कि अल्लाह की गुलामी करो, उसका तकवा अख्तियार करो और मेरी इताअत करो। कुल दीन का खुलासा यही है, जुमला दीन का खुलासा असल में यही है। जो भी रसूल आता है वो दावत से पेश करता है, गुलामी तो अल्लाह ही करनी है, उसका तकवा अख्तियार करना है, उसकी नाफरमानी से बचने की कोशिश करनी है, उसके फराइज की अदायगी से पीछे रह जाने से बचने की कोशिश करनी है और मेरी इताअत करनी है। दैट्स इट, ये है कुल का कुल दीन। अब वो कौन जिन भी हालात में होगी, तहजीब व तमद्दुन जहां तक पहुंचा होगा, इंसानी जिंदगी जितनी तरक्की कर चुकी होगी, वो सारे कोशों में अल्लाह की बंदगी करनी है, तकवा अख्तियार करना है, रसूल की इताअत करनी है, सारी सारी बात है। जिसको आज की ज़माने में हम कहें कि अल्लाह की बात कुरान है, रसूल की बात सुन्नत है, तो कुरान और सुन्नत की पैरवी है, जो सादा सादा पूरा दीन है। अल्लाह ताला आपको मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन तो अजल से यही चला आ रहा है, हाँ शरीयतें हालात के हिसाब से मुख्तलिफ होते रही। तो ये तीन अल्फाज तो याद कर लीजिए, आखिरी दफा हमारे पास किसी रसूल के इस तरह के वाक्य के तौर पर आ रहे,
तो अनेबुदुल्लाह व तक़ूवाद यूम, एक इबादत करो तुम अल्लाह की और उसी से डरो और मेरी इताअत करो। ये वो है जो स्लोगन हम सूरत हूद में देखते आए, जो हम सूरत आराफ में देखते हैं। अब पूरा साल हमने इसको मिस करना है, इज्तमाई तौर पर बैठ कर पढ़ने को, इंफरादी तौर पर इंशाल्लाह हमने मिस नहीं करना चाहिए ना। इंशाल्लाह इंफरादी तौर पर हमने कुरानी को रेगुलरली पढ़ते रहना है और हफ्तावार हमने एक वीकली डोज कुरानी की लेते रहनी। लेकिन ये जो पूरी शान से एक ही महीने में हम गुजरते हैं, इसको वाकई हम मिस करेंगे। यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, वो अल्लाह तुम्हारे कुछ गुनाह माफ कर देगा। वो युअख्खिरुकुम इला अजलिन मुसम्मा, और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देगा। जो कोकुल्लाम इससे तो अल्लाह माफ कर देगा, कोकुल्लाम तुम्हें फिर पूरे करने पड़ेंगे और फिर माफी होगी। इन अजलुल्लाह, हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त इधर जा जब आ जाते हैं, ला युअख्खर, तो टाला नहीं जा सकता। लव कुंतुम तालमून, काश कि तुम ये बात जानते होते। अब ये दावत जो उन्होंने पेश की, अब उसका जो नतीजा निकला, वो नतीजा बताने का मुख्तलिफ अंदाज हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपको मेरे सामने बात पेश की। औला तो नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, रब्बी रब्बा इन्नी दाउतु कौमी लैलन व नहारा, मैं अपनी कौम को बुलाता रहा, दावत देता रहा, पुकार पुकार कर बुलाता रहा, रात दिन, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन उनमें मेरी दावत ने सिर्फ फरार का ही इजाफा किया। मैं जैसे जैसे इनको दावत देता गया, ये दूर दे रहे। देखिए, एक तो ये दावत है ना कि दावत दे रहे हैं अच्छे से माहौल में, हमें कोई मसला नहीं, सब लोग आ रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, जी सर ये वो करके। और जब अल्लाह ताला ने हमें ऐसे भी दाइयात दिखाए कि जिनकी बात सुनने के लिए कैसे कैसे लोग दूर दूर से आते हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और वो अल्लाह ताला के रास्ते में दावत दे रहे हैं, ये भी कुर्बानी की बात होती है। लेकिन ये कुर्बानी कि जब वो बात कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, अगले दौड़ रहे हैं, फिर दावत देना कितना मुश्किल होता है। अलम यज़िन दुआ इल्ला फिरारा, वही नहीं खुल्ला में दावत हूँ। और असल बात यह है कि जब भी मैंने उन्हें दावत दी, ली तफ़िर लहुम, ताकि तू उन्हें माफ़ कर दे, मैं उन्हें और किस चीज़ की दावत दे रहा हूँ, मैं तो उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ बुला रहा हूँ। जानू असाबिया हूँ, तो वो अपनी उंगलियाँ ठूंस लेते हैं, फिर आदानी अपने कानों में, बस अक्षर उतियाबा हूँ, और अपने कपड़ों से अपने चेहरों को ढांक लेते हैं, जरा उन्होंने तुम्हारी बात सुनी, वह सर्रू, और अड़ जाते हैं अपनी जिद पर, बस तक पर उसकबारा और तकबर करते हैं, बहुत ही ज्यादा तकबर करते हैं। हम मैंने दावत हम जिहारा, जब उन्होंने अपने कानों में उंगलियाँ ठूंस ली, तो फिर मैंने इसके बावजूद उन्हें दावत देता रहा ऊंची आवाज से पुकार कर, मैंने आनंद लहूं, फिर मैंने उन्हें इनमें एलानिया तबलीग की, वसरत लहूं इसरारा, उन्हें चुपके चुपके भी समझाया, फकुल तस्तगफिरु रब्बहुम, तो मैंने उन्हें कहा अपने रब से माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, यकीनन वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, फकुल तस्तगफिरु रब्बहुम, तो मैंने उनसे कहा अपने रब से माफी मांगो, इन्नहु काना गफ्फारा, यकीनन वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, युर्सिलु समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, हालांकि उसी ने तुम सबको पैदा किया तरह तरह की हालतों से गुजार कर, अपने माँ के पेट में भी, और जब आदम ने इस्लाम को तफरीक किया तब भी कैसी कैसी हालतों से गुजार कर पैदा किया। अलम तरो कई महान अल्लाह, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कैसे पैदा फरमाए, सब आसमावात इंतबाका, सात आसमान तय बतय, वजाल अल-क़मर फीहिन्न नूरा, और चांद को बनाया है उनमें रोशनी के लिए, वजाल अश-शम्स सिराजा, और सूरज को बनाया है एक जलता हुआ दमकता हुआ चिराग, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ध नबाता, और अल्लाह ने तुम्हें जमीन से उगाया है, अजीब तरीके से तुम्हें उगाया है, कैसे उसने मिट्टी से इंसान बनाया, तुम्हें उम्मीद को फिहा, फिर वही वापस ले जाएगा तुम्हें इसी जमीन में, और फिर जो तुम्हें खड़ा जाएगा, फिर इसमें से तुम्हें निकाल कर फिर खड़ा करेगा, अल्लाह हु जाले लकुम अर्द बिसाता, ये अल्लाह ही जिसने तुम्हारे लिए जमीन को हमवार बना दिया, लिदस लकुम मिनहा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम उसके अंदर खुले खुले रास्तों में चलो फिरो। قال نوح ربي نوح علیہ السلام فرمایا رب انهم عصوني, यकीन उन्होंने मेरी नाफरमानी की, वो तबाउ और पैरवी करते रहे, पीछे चलते रहे, फॉलो करते रहे, मन लम यजिद मालहु व वलदहु इल्ला खसारा, उन लोगों के पीछे चलते रहे जिन्होंने उनके मालो औलाद में निरे खसारे का ही इजाफा किया, ऐसे लोगों के पीछे चलते रहे जिन्होंने इनको ऐसी पटियां पढ़ाई, ऐसे अहकाम दिए, ऐसे मशवरे दिए कि उससे इनके माल औलाद में खसारे का ही इजाफा हुआ, कोई खैर की बात उन्होंने नहीं बताई, फिर उनके पीछे चलते रहे, मैं खैर की बात बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुने, मकरन कुबारा, और चले वो बड़ी बड़ी चालें, रसूल के खिलाफ चालें चलने लगे, वो गालू और कहने लगे, ला तदमना अलिहतकुम, हर किसी ने छोड़ना अपने माबूदों को, वला तदमना वद्दु वला सुआ, और हर किसी ने छोड़ना तुम ये जो तुम्हारे मुख्तलिफ नामों की बुत है, वद वला सुआ और ना सुआ को छोड़ना, वला यगूस व यऊक व नसरा, और ना यगूस व यऊक और नसर को छोड़ना,
وقد اضلوا كثيرا اور اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور نہ اضافہ کر تو بھی ان ظالموں کے لیے مگر گمراہی نہیں اب ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہو انہوں نے اتنا ظلم کیا مما خطیاتہم اور اپنی خطاؤں کی بنا پر اغرقوا غرق کر دیے گئے فادخلوا النار اور جہنم میں داخل کر دیے گئے اب جب رسول کے اوپر ظلم کرنے لگ جاتی ہے نا قوم اور رسول کے قتل کی طرف بھی ہو جاتی ہے پھر ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہدایت کے اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا نا کہ فرعون اور آل فرعون نے ہم پر ظلم کی اتنی حد کر دی کہ اب تو ان کے لیے فائنل فیصلہ کرتے اب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیکھے 950 سال دعوت دی اور پھر جب یہ درد بھری دعا جب زبان پر آئی ہے تو پھر دیکھیں کہ کیسی دعا ہے جو ان کے لیے مما خطیات پھر نہ پایا انہوں نے اپنے لیے من دون اللہ انصارا اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار وقال نوح اور نوح علیہ السلام نے کہا ربی لا تذر علی الارض ربا زمین پر باقی نہ چھوڑنا من الکافرین دیارا ان کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑنا انک ان تذرہم یقینا تو نے اگر انہیں چھوڑ دیا یذل عبادک تجھے تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے ولا یلد الا فاجرا کفارا اور ان کی نسل سے بھی میرے بدکار اور سخت کافر لوگ ہی پیدا ہوں گے ان کا بیج ہی مر چکا ہے رب اغفر لی ولی والدیا ربا تم مجھے معاف کر دے میرے والدین کو معاف کر دے ولی من دخل بیتی مؤمنا اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو جائے ولی المؤمنین والمؤمنات اور سب مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بھی معاف فرما دے اور آخر میں پھر ولا تزد الظالمین الا تبارا اور ظالموں کے لیے تو میری ہلاکت میں اضافہ کرنا رسول اپنی قوموں کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے یا بندوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سمیٹتے ہیں یا اپنے رب کا عذاب لینے والے بنتے ہیں اور یہ امتی اوپر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسول کی شفاعت لیتے ہیں رسول کی دعائیں لیتے ہیں یا رسول سے یہ سب کچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سورۃ جن بڑی خاص صورت آ گئی عام طور پر آج کا چونکہ ایک بہت بڑا فلسفہ سیکولرزم ہے اور وہ حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ حقیقت تو صرف وہ ہے کہ جو دیکھی جا سکے سنی جا سکے چکھی جا سکے سونگھی جا سکے یا چھوئی جا سکے تمہاری سینسز میں آتی ہو یا کم از کم کیلکولیشن میں آتی ہو تو لہٰذا جب ہم بہت زیادہ ریشنل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں تو ہم اور باقی چیزوں کا انکار کریں نہ کریں پہلے اسٹیپ پہ تو انکار کرنے پہ آتے ہیں جنوں کا جن تو ہیں ہی نہیں فرشتوں کا انکار کرتے تو ذرا ہمیں بڑی چیز لگتی ہے لیکن جنوں کا انکار کرتے ہوئے عام طور پر لوگ پائے جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتے جنہوں نے ابھی خاص کلام نہیں ہے اچھا اس میں بھی انتہا پسندی ہے ایک انتہا پسندی کیا ہوتی ہے کہ بندہ ہر چیز ہی جنوں پہ ڈالتا رہے اتنے بھی جن اتنے بھی جن ادھر اتنے بھی جن ادھر نال بھی جن ہر چیز ہی وہ اتنا کہ جن بھی سوچتے ہوں کہ انہوں نے تو ہمیں بہت زیادہ ہی اسپیشل بنا دیا جس کا بھی آگے ذکر بھی آئے گا ایک انتہا پسندی وہ ہوتی دوسری انتہا پسندی ہوتی بندہ نہیں اس کا انکار کر دے تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال نصیب فرمائے جن ہیں اللہ کے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان میں سے جو شیاطین ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگائے ہماری آزمائش کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہے جو قرآن میں تو قرآن کے ذریعے ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں جنوں سے اس جن کے ساتھ بھی جو ہمیں وسوسہ اندازی کر رہا ہوتا ہے اور ان جنوں سے بھی جو ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں یا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی اصل توڑا ان کا قرآن میں دے دیا اور قرآن کے جو احکامات ہیں ان پر عمل ہے تاکہ ہم جب قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں گے تو ہمارا وہ لیول ہو جائے گا کیونکہ ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمیں تنگ کر سکے کیونکہ ہم بارہ ان سے اعلیٰ مخلوق ہیں اگر ہم اعلیٰ بنے تو اگلی جو بات ہے کہ یہ جو سورۃ جن ہے اس کا وہ پورا پس منظر پھر وہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سالہ جب دعوت تبلیغ مکے میں فرمائی اور اس کے بعد جب طائف گئے اور وہاں سے جب واپس لوٹتے ہوئے آپ کی زبان پر الفاظ آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیے اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے ڈفرنٹ ماحول بنائے ان میں سے ایک اہم ماحول یہ تھا کہ بہت سے کچھ جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تلاوت فرماتے ہوئے اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے داعی بن کر تو اگرچہ یہ صورتیں ویسے تو آخری جو شروع کے زمانے کی ہیں لیکن کچھ کچھ ایکسیپشنز بیچ میں چلتی رہتی ہیں تو اب یہ سورۃ جن جو ہے یہ اب پورے بیک گراؤنڈ میں صورت آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے اوحی الیہ میری طرف وہی بھیجی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن کہ غور سے سنے ایک گروہ نے جنوں میں سے یہ غور سے سننا بڑی اہم چیز ہے تم تو سنی نا رہے میری بات اب آپ سننا سنو قریش مکہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ جنہوں نے غور سے سنی ہے میری بات اب قریش مکہ نے تو غور سے سنی ہے نا بات جنہوں نے جب غور سے سنی ہے اور دل کے کانوں سے جب سنی ہے تو دیکھیں ہوا کیا ہے فقالوا تو وہ پکار اٹھے انا سمعنا قرآنا عجبا بلا شبہ ہم نے تو ایک قرآن سنا عجبا بڑی خوبصورت الفاظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے قرآن مجید کی جو عظمت ہے اس کے اوپر وہ بڑی ایک طویل حدیث ہے جس کے آخر میں جا کے بڑی شان سے بات کہی جاتی ہے کہ والذی لم تنتہ الجن اذ سمعت حتی قالوا اور یہ کلام ہوا ہے کہ جب جنہوں نے اسے سنا تو یہ کہیں بغیر نہ رہ سکے
इन्ना समिना कुरान अजबा, कि हमने तो एक कुरान सुना है बड़ा दिल गुलमाने वाला। ये अजूब बेख्तियार पुकार थे। अब कुरान कैसे कलाम को कहते हैं जो बार बार पढ़ा जाने वाला हो? तो उन्होंने जो कुरान को एक दफा सुना है, लेकिन उन्हें समझ लग गई है कि ये तो सारी जिंदगी पढ़ने वाला है और इससे इसके साथ तो जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये तो बार बार पढ़ने वाला है। और अजबा एक उर्दू का अजीब होता है और एक अरबी का अजीब है। अरबी में अजीब कहते हैं अट्रैक्टिव चीज को, दिल को लुभाने वाली चीज, बंदे को दिल हैरान हो जाएगा, वाह यार क्या बात, ऐसा कलाम। तो कुरान अजब है, ऐसा दिल को खींच लेने वाला कुरान। यहदी रुश्द, जो रहनुमाई करता है, गाइड करता है राह रास्त की तरफ। और रुश्द कहते हैं हदायत के भी आला तरीन मरतबे को, ये तो आला तरीन मरतबे तक लेके जाने वाली चीज है। फामन्ना भी, तो इसलिए हम तो ईमान ले आए हैं उस पर, हमने सुना और ईमान ले आए फौरन। वलम युशरिक बिरब्बिना अहदा, अब कुरान पर ईमान लाने के फौरन बाद कैफियत क्या होनी चाहिए वो अब जरा इस तकरीर में जरा देखिएगा। तो पहली बात तो क्या है कि जब कुरान पर और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को ले आता है तो पहला काम क्या होता है, जाते ही वो अपनी कौम में आवाज बुलंद करता है, या कौमना अजीबुदा अल्लाह, ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की पुकार पर लबैक कहो, जिस तरह जिन्होंने कहा। तो उम्मती बनते ही तो फिर पहला काम तो नहीं होता कि या कौमी तबीउल मुरसलीन, है मेरी कौम के लोगों रसूलों की पैरवी करो, सीधी सीधी बात है। तो अगर अल्लाह ताला आपके मेरे दिन में कुरानी उतार दे इस माह रमजान की बदौलत, तो उसका नतीजा क्या निकलना चाहिए कि बस फिर हमारी जहां जहां कौम है, तुम्हारी पूरी कौम है ना, उसमें हम सब ने मिलजुल कर काम करना है इंशाल्लाह किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से। और जब भी प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, और इस तरह के ढेरों प्लेटफॉर्म है आपकी अपनी जहनी मुनासबत, तालीमी काबिलियत और जगह के लिहाज से, तो एक दो मिलजुल कर करने का काम। एक अकेले फर्द वाहिद की हैसियत में भी इर्द गिर्द जो आपके हल्का अहबाब है उनमें खड़े हो जाना कि भाई मैंने तो कुरान भी सुना है ऐसा, मेरा तो दिल को उसने खींच लिया, अब तो मैं उसी के साथ जिंदगी गुजारने वाला हूँ, तुम भी उसके साथ ही चलो। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। अब कुरान की तालीमात क्या है, वो तालीमात एक तरतीब से सारी उन जो साहिब होंगे, जिन बड़े मोजज़ होंगे वो भी, जिन जिन्होंने ये तकरीर फरमाई है, कि अल्लाह ताला को तकरीर इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने कुरान में नकल की है, दो जगह नकल की है और इतनी तफसील से नकल की है। तो आप उनकी तकरीर देखिए, वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, पहली बात तो यह है कि हम अपने रब के साथ, अपने आपा के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे, पहली बात तो यह है कि हम शिर्क नहीं करने लगे। वह रबिना, और देखिए बहुत आला और हमारे रब की शान, मत तखदा साहिबतन वला वलदा, और उसने किसी को बीवी नहीं बनाया, किसी को बेटा बेटा नहीं बनाया। तो पहले तो शिर्क से जात की नफी कर दी। वह यकूल सफीमुना अल्लाह शता, और देखिए कहते रहे हमारे नादान लोग, हमारे बेवकूफ लोग, अल्लाह के बारे में बहुत खिलाफ हक बातें, कैसी कैसी बातें बांध दी उन्होंने अल्लाह के बारे में, अल्लाह ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। वन्ना, और देखिए हमने समझा हुआ था, अल्लाह तकुल अलिंस वल जिन्न अल्लाह कदीबा, कि इंसान और जिन अल्लाह के बारे में झूठ हरगिज नहीं बोल सकते। हम तो सोचते थे बड़े शरीफ लोग होंगे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के बारे में झूठ बांधा इतने ही वक्त में, अब हमें सच बात पता लग गई, अब हमने इनकी बात नहीं मानी। वन्ना काना रिजाल मिन अल इंस, और जे कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे थे, यऊदून बिरिजाल मिन अल जिन्न, जो जिन्हों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे। अब ये बड़ी एक अहम बात है। अब कुरैश मक्का भी क्या करते थे, किसी वादी में जाने लगते कहते हैं हम इस वादी के जिनकी पनाह में आते हैं, वो ये सोचते थे कि एक ऐसे शरीर से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि उसके सामने नहीं मिल जाओ। आज भी हम करते हैं ना, इस तरह कुछ शरीर होते हैं तो उनसे हम उनके शर से बचने के लिए सोचते हैं कि उन्हीं की पनाह में आ जाए, उनके सामने नींद में पहले फिर वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल होती है और बेवकूफी वाली बात होती है। तो वो जिन्हों के बारे में सोचते थे कि ये शरीर है हमें तंगरा करें, तो उन्हीं की पनाह में आने का एक ड्रामा करते थे। तो वो उसे होता क्या था, फजा जो मुराका, इसी तरह बढ़ा दिया उन्होंने जिन्हों का गुरूर, जिन बड़े गुरूर हो गए। देखो हमारे जो दादा थे उनको तो इन इंसानों को सजदा ना करने की वजह से इतनी बड़ी सजा मिली, और इनको देखो जरा तुम्हारी पनाह में आ रहे हैं और हमें कह रहे हैं जिन साहब की जय हो। और दे भी कि वो भी यही गुमान रखते थे कि तुम जैसे तुम्हारा गुमान है, अब इंसानों की इशारा करके ना, क्यों इंसान भी यही समझते थे जैसे जिन्हों तुम समझते हो, अल्लाहदा कि हरगिज नहीं उठाएगा अल्लाह किसी को मरने के बाद। देखिए ईमान बिल्लाह के बाद ईमान बिल आखिरत का जिक्र आए, वरना नमस्कार समाप्त हो जितना हम ये अठारह सौ शदीद वशू हुआ, अब ईमान बिल सालत का जिक्र आ रहा है, ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत, अब ईमान बिल सालत का जिक्र किस अंदाज से आ रहा है। वरना नमस्कार समा, और हमने आसमान को टटोला, फौजतना हम ये अठारह सौ शदीदा, तो हमने उसमें मजबूत पहरेदारों से उसे वजूद पाया कि वो मजबूत पहरेदारों से भरा पड़ा है, वशू हुआ और शोरों से भरा पड़ा है, हमने वहां बड़ा फुल सिक्योरिटी का मोल पाया। वरना कुन्ना नकूद मिनहा मकाई दल सम, और ये कि हम आसमान में बैठा करते थे सुनगुन लेने की जगहों पर, हमारी कुछ जगह होती थी वहां जाके हम बैठते थे, तो जरा साफ लगाते थे कि कौन सा फैसला नाजिल हो रहा है जमीन पे, क्या होने लगा है, कुछ ना कुछ शायद हमें पता लग जाए। लेकिन हमें यह समय आना, लेकिन जो शख्स अब सुनने की कोशिश करता है यदि शिहाब और वसदा, तो वो अपने लिए एक शिहाब साबित पाता है, एक मिजाइल पीछे से आता है उसे लगने के लिए, अब तो बड़ा फुल मोल है ऊपर, ऊपर कोई बंदा नहीं जा सकता। अब जिन जो है वो इतने को समझ रहे थे कि ऊपर बड़ा सिक्योरिटी का मोल है, तो लगता है कोई खास चीज नाजिल हो रही है,
अब या तो अल्लाह ताला कोई अजाब का फैसला फरमा रहा है या अल्लाह ताला अपने वही का नुज़ूल फरमा रहा है। और जब वही का नुज़ूल होता है तब भी या तो इंसान उस वही को कबूल कर लेते हैं तो उनकी हदायत मिल जाती है, और अगर वो उस वही की हदायत को तस्लीम ना करें तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आता है। तो लगता है कि अब कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन, समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। वन्ना ला नदरी, और देखिए हम नहीं जानते, अशरु नूरी तभी हमसे लड़ दी कि बुराई करने का इरादा किया गया उनके साथ जो जमीन में है, हम आ रहा था भी हम रशदा, या उनके रब ने उन्हें सीधा रास्ता दिखाने का फैसला किया है, क्या किया हमें नहीं पता। वन्ना मिन्ना सालिहून व मिन्ना दून ज़ालिक, अब ईमान बिल्लाह ईमान बिल आखिरत ईमान बिल रिसालत वही के नज़ूल के बाद आप देखें अगले साले की तरफ बात आए कैसी तकरीर उन्होंने फरमाई। वन्ना मिन्ना सालिहून, और देखिए हम इसे कुछ नेक भी हैं, व मिन्ना दून ज़ालिक, और कुछ तरह और तरह के भी हैं। अब उन बुरों को सीधा सीधा बुरा कहने की बजाय कहते हैं जरा और तरह के, उतना तरह काफी ज्यादा, कोई हम भी मुख्तलिफ तरीकों में बैठे हुए लोग हैं। वरना गुरन्ना, और जे कि हम भी समझे बैठे थे अल्लाह, और जे कि हम समझते थे अल्लाह नुजिज अल्लाह, कि हम हरगिज अल्लाह को आजिज नहीं कर सकेंगे, फिल अर्दी जमीन में, वलन नुजिजहु हरबा, और हम उसको भाग के हरा नहीं सकते, हमने समझ गए। वरना लम्मा सलल अल हुदा, और जे कि जब हमने हदायत सुन ली, आमना भी, तो हम उस पर ईमान ले आए। जो शख्स भी अपने रब पर अपने आका पर ईमान ले आएगा, फला यखाफ बसम वला रहका, सो उसे किसी किस्म की हक तलफी का डर नहीं होगा और किसी किस्म के जुल्म का खौफ नहीं होगा, रब जुल्म नहीं करेगा, हक तलफी नहीं करेगा। वरना मिनल मुस्लिमून, और देखिए हमें से कुछ फरमा बरदार हैं, और मिनल कासितून, और हमें से कुछ हक से मुनहरिफ हैं, अदल से मुनहरिफ हैं, जालिम लोग हैं। फमन असलमा, जो फरमा बरदार हो गए, फौलाए तहर्रु रशदा, तो उन्होंने तो निजात की राह ढूंढ ली, होते बच गए। फमल कासितून, और जो हक से मुनहरिफ हो गए, फकानु लजहन्नम हतबा, तो वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। وَلَوْ اسْتَقَامُوا وَلَوْ اسْتَقَامُوا, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब बात शुरू कहां से हुई थी, कुल उहिय इलैय अन्नहु इस्तमा, अब वहां से बात फिर जुड़ गई है कि وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة, और मुझ पर वही कही गई है, मुझ पर वही की गई है कि अगर लोग कायम रहेंगे, इस्तकामत अख्तियार करेंगे, अल तरीका, सीधे रास्ते पर। जिस तरह शरीयत का लफ्ज़ कुरान में आया था, अब ये तरीकत का लफ्ज़ भी आ रहा है। शरीयत और तरीकत एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं, शरीयत ज़ाहिरी पहलू कहते हैं, तरीकत उसके बातिनी पहलू कहते हैं। तो जो लोग सीधे रस्ते पर विद स्पिरिट कायम रहेंगे, लास पैनाहुम मान गदगा, तो जरूर सिराब करते हैं हम उन्हें ढेरों पानी से, लिनफ्तिनहुम फीह, ताकि हम उन्हें इस तरह आजमाए। दुनिया में जो कुछ हम देते हैं वो क्यों देते हैं, आजमाने के। वमई वटे दान देते रब्बी ही, और जो मुंह बोलेगा अपने रब की आज से, यसलुक अदाब सादा, वो उसे सख्त अदाब में मुबतला कर देगा। वन्नल मसाजिद लिल्लाह, और जे कि मस्जिद अल्लाह ही के लिए, फला तदउ अल्लाह अहदा, लिहाजा उनमें अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करना पुकारो। अब ये मस्जिद हराम जो अल्लाह ताला का घर है, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी याद के लिए बनाया था, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, तो तुमने इसको शिरक का अड्डा बना दिया। अब मुझे पूरा एक मक्की कुरान का एक स्लोक है मेरे, और आगे जो अल्फाज है बड़े खूबसूरत है, वन्नहु लम्मा क़ामा अब्दुल्लाह, और जे कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के एक अजीम बंदे जब खड़े हुए उस मस्जिद में अल्लाह की इबादत के लिए, या दुरू उसकी इबादत के लिए, कालू या कोलूना रही निबादा, तो नहीं उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हुए। और ऐसे ही होता था ना वकील जिंदगी में, जब आप ओपनली आकर इबादत करने लगते थे, नमाज पढ़ने लगते थे, तो आकर रोकते थे। ये मक्की जो कुरान मजीद का एक खास एक मंजर है, खास तौर पर जो अबू जहल है वो ज्यादा जुल्म पर आ जाता था इस मामले पर। और ये भी आप की एक बड़ी खास, जिसे कहते हैं ना, वो एक स्ट्रेटजी भी थी और एक खास अंदाज था आपका, कि आप ओपनली आकर पूरा तरीके से इबादत कर रहे हैं अल्लाह की, और अब उनको जो है वो तब चढ़ रही है, वो आके अब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई भी बंदा नया आया वो देख रहा है कि यार एक पुरमन बंदा है और वो अल्लाह की इबादत कर रहा है अपने तरीके से, उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा, तो हम भाई आकर से मारने लगे। और उन्हें पता है कि अगर हमने इन्हें इबादत करने दी तो इनका काम इतना अट्रैक्टिव है, जो बीच में कुरान पढ़ते हैं, लोग इर्द गिर्द जाते हैं, सुनते रुक जाते हैं, सुनने लग जाते हैं, इनसे पूछते हैं आप क्या पढ़ रहे थे, अच्छा ये बड़ी अच्छी बातें थी, और इनके दीवाने हो जाते हैं, तो लिहाजा हमें तो रोकना चाहिए इसे। क्योंकि कुफर हमेशा क्या कहता है, ला तस्मउ लिहाज़ल कुरान बलगो, कुरान जीद को ना सुनो, इसमें खलल डालो, लअल्लकुम तुग़लबून, ताकि तुम ग़ालिब रहो। अगर कुरान पढ़ा जाएगा, और नमाज में तो कुरान पढ़ा ही जाता है, तो जब ये होगा और इबादत का ये खूबसूरत तरीका होगा, तो लोग तो अट्रैक्ट हो जाएंगे इसी तरह। कुल इनसे कहिए, इन्नमा अदउ रब्बी, मैं तो बस अपने रब को पुकारता हूँ, वला अशरिकु बिही अहदा, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाता मैं। कुल इनसे कहिए, इन्नी ला अम्लिकु लकुम, हकीकत यह है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अख्तियार नहीं रखता, ज़र्रन वला रशदा, किसी भी नुकसान का और ना किसी भलाई का। कुल इनसे कहिए, इन्नी लन युजीरनी मिनल्लाहि अहदुन, हरगिज मुझे भी अल्लाह की गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता, वलन अजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और हरगिज नहीं पाता मैं उसके सिवा कोई जा पना, अगर मैंने अपना काम ना किया। और मेरा काम क्या है, इल्ला बलाग मिनल्लाहि वरिसालाती, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ कि पहुंचाऊं मैं अल्लाह की तरफ से बात और उसके पैगाम। मैं तो इस काम पे मामूर हूँ, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, और मैं इस काम में कोई कोताही नहीं करने वाला।
وہ من یعص اللہ ورسولہ اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فإن له نار جہنم تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فیہا ابدا اس ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے حتی اذا رأوا ما یوعدون یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ جب یہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے فسیعلمون تب انہیں اللہ کو پتا جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے اپنے مددگاروں کے لحاظ سے اپنے جتھے کے لحاظ سے اپنی پارٹی کے لحاظ سے اور اس کا جتھا کم ہے تعداد میں یہ ہے اصل بات اب جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے وہ آ کے روکا کرتے تھے اور ان کا جتھا مضبوط ان کی تعداد زیادہ بڑے اسٹیٹس والے لوگ تو مذاق اڑایا کرتے تھے صحابہ کا کہ دیکھو آپ کا جتھا بڑا کمزور ہے آپ کا تو مددگار بھی کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کریں اللہ بھی پتہ جائے گا کوئی ان سے کہیں ان ادری مجھے نہیں پتا قریب ما توعدون کہ وہ چیز جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریب آ گئی ہے ام یجعل له ربی امدا یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کر رکھی ہے کوئی لیٹ آنی ہے یا جلدی آنی ہے مجھے نہیں پتا وہ تو میرے رب کا فیصلہ ہے عالم الغیب وہ عالم الغیب ہے فلا یظہر علی غیبہ احدا بس وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا الا من ارتضى من رسول سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو یہ بڑی اہم بات ہے علم غیب کے معاملے کا علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ بہت سے زمانے میں چلتا رہا تو اللہ کا شکر ہے کہ امت بڑی میچور ہوتی جا رہی ہے اور چیزوں سے آگے نکلتی آ رہی ہے اللہ کا شکر ہے آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس معاملے میں کافی میچور ہے اللہ کا شکر ہے اور یہ قرآن مجید کی برکت سے ہی ہوا ہے کہ قرآن مجید جب معاشرے میں پھیلا ہے تو آپ بہت سے ایشوز جو کسی زمانے میں بڑے ہاٹ ایشوز ہوتے تھے ہاٹ ایشوز ہوتے تھے وہ نان ایشو بنتے چلے جا رہے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لیکن اس حوالے سے ایک اصول ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کل علم ہے اللہ تعالیٰ کی کل قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صلاحیت ہے ساری صفات اللہ کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو اس کی تین صفات ہوتی ہیں بندوں کی مخلوقات کی جو بھی کوئی صلاحیت ہوتی ہے ان کا علم ہوتا ہے ان کی قدرت ہوتی ہے ان کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی تین صفات ہوتی ہیں خاص نمبر ون یہ کہ وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے ذاتی نہیں ہوتی بلکہ عطائی ہوتی ہیں اللہ کی عطا سے ہوتی ہیں اپنی نہیں ہوتی نمبر دو وہ لامحدود نہیں ہوتی محدود ہوتی ہیں رب نے جتنی دی ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں لامحدود صفات صرف اللہ کی ہیں اور ذاتی صفات تو صرف اللہ کی ہیں اور تیسرا وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک نہیں ہوتی بلکہ حادث ہوتی ہیں جب رب نے دی تو ہو گئی جب تک رب نے دی تب تک ہے یہ ہے اصل بات تو یہ تین صفات اگر مان لی جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر شرک کا معاملہ سائڈ پر ہو جاتا ہے آگے یہ بحث میں پڑھنا کہ کیا پتا تھا کیا نہیں پتا تھا یہ آپ کا میرا کام نہیں یہ رب جانے والا بن جاتا نہیں ان کے آپس کی بات کیا بتایا تھا کیا نہیں بتایا تھا بقیہ جن کو بھی علم دیا گیا وہ ایک ذرے کی مانند اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا وہ ایک صحرا کی مانند کوئی اندازہ کر سکتے کتنا علم دیا ہوگا رب کو رب نے اپنے بندے کو کیا کیا کچھ دکھایا کیا کیا کچھ بتایا تو آپ کا میرا یہ کام نہیں آپ کو میرا کیا کام ہے کہ جو اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے بتایا جو کر کے دکھایا ہم اس پر فوکس کریں کیونکہ وہ آپ کا میرا اصل امتحان ہے اور باقی جو نہیں بتایا وہ بھی امتحان ہے اس معنی میں کہ اس میں کہیں اس میں تو نہیں ٹانگے ڈالتے اس میں تو نہیں آ کے اپنی ڈسکشن اور اپنی بحث شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا تو عالم الغیب فلاح العلام هذا الا من ارتضى من رسول الا نہیں کہ اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه تو صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کے آگے اور پیچھے لگا دیتا ہے رصدا نگہبان لگا دیتا ہے لیعلم تاکہ وہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربهم کہ در حقیقت انہوں نے پیغامات اپنے رب کے پہنچا دیے ہیں وحاط بوالدیہم اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ان کے ماحول کو وحصا کل شیء عددا اور اس نے ایک ایک چیز کو گن گن کے شمار کر کے رکھا ہوا کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ان سے کوئی چیز باہر نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی پھر ابتدائی جو وہی جو نازل ہوتی رہی اس میں سے ایک اہم سورت آ گئی سورت مزمل اب یہ سورت مزمل اور مدثر کا جوڑا ہے بڑا خوبصورت اور یہ بھی پورا ایک ماحول ہے جس میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری راتوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں غار حرا میں اور وہاں سوچ وچار چل رہی ہے اپنے 40 سالہ زندگی کو پس منظر میں ذہن میں رکھتے ہوئے سوچ وچار چل رہی ہے سامنے اپنی جو پوری بستی ہے اس کو رکھتے ہوئے رب کی کائنات کی آیات پر غور و فکر چل رہا ہے کہ میں نے تو 40 سالہ زندگی جیسے گزاری سب کے سامنے میں نے کبھی شرک نہیں کیا کسی بت کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے بت کا نام سننا تک مجھے گوارا نہیں میں نے تو انسانی ہمدردی کے تحت زندگی گزاری صادق برمین اسی معاشرے نے مجھے کہا اور میں نے تو کسی کا حق ماننا تو دور کی بات اپنا حق میں نے قربان کر کر کے لوگوں کے لیے میں دیا انسانی ہمدردی میں نے سارے کام کیے اکیلے بھی کیے مل کر بھی کیے بغیر پیسے کے کیے پیسے سے کیے لیکن یہ میری بستی اور یہ انسانیت ان کا طرز میں ٹھیک نہیں ہے یہ ظلم سے باز نہیں آتے لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور پھر شرک وہ تو ظلم عظیم ہے یہ کیوں نہیں ظلم سے باز آتے میں کیا کروں کہ یہ مسئلہ حل ہو انسانیت صحیح راہ پر آئے یہ غور و فکر چل رہا ہے
कि अल्लाह ताला ने फिर जब वही का नज़ूल फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं उस एक स्पेशल एक्सपीरियंस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का हुआ है और आप आए हैं और अपनी जो मिसेज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके पास आकर कामते हुए उनकी गोद में सर रखा है और कहा है ज़म्मिलूनी मुझे कोई चादर उड़ा दो, मुझे कोई कंबल उड़ा दो। अब उस कैफियत में जो खूबसूरत अल्फाज आ रहे हैं जो शुरू के काम है करने के उनमें से एक काम आ रहा है या अय्युह अल-मुज़म्मिल ए ओल्ड लपेट कर सोने वाले कुम खड़े हो जाओ। तो पहला तो काम होता खड़ा होना। अब खड़ा होना दो जगह होता है, एक रात का एक दिन का। दिन का बाद में आएगा, पहले रात का है। बड़ी अहम बात है, यकीन करें। एक बात मैं आपसे कहूँ, जो मुज़म्मिल है ना ओल्ड लपेट कर सोने वाले, तसीर उस्मानी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि हरका पोशी की कुरानी जो एक तालीम है वो है। क्या मतलब कि आपको पता है जो गौर फिक्र करने का इस्तारा है, जब आप गौर फिक्र कर रहे होते ना तो चादर लेके आप गौर फिक्र कर रहे हैं। आपने कभी इलामा इकबाल वगैरह की तस्वीर भी देखी हो तो गौर फिक्र कर रहे हैं। ये गौर फिक्र है, ये गौर फिक्र की कैफियत है ये। तो अगर आप में से मुझ में से कोई बंदा ये चाहता है कि वो कुछ करना चाहता है जिंदगी में, कुछ स्पेशल करना चाहता है, कुछ आगे बढ़ के करना चाहता है, पहला स्टेप पता क्या है? पहला स्टेप ये है कि वो गौर फिक्र की कैफियत में जाए, अपने ही अंदर मन में डूब कर पा जाए इस सुराग जिंदगी। अगर वो सती सती चीजों को देखता है तो सती सती उसका अमल होगा। उसे थोड़ी देर के लिए तो उसको सोच विचार में जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे यही करना चाहिए, क्या जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसे गौर फिक्र करना चाहिए, अपने मन में डूबना चाहिए उसे। तो पहला तो स्टेप ये है, अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आज वो तेजी आ गई दुनिया में और फुर्सत ही नहीं है गौर फिक्र की। गौर फिक्र में डूबना पहला असल काम है, अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। लेकिन अब उस गौर फिक्र के लिए हमें किसी गार में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस गौर फिक्र के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ हमें माहौल दे दिए हैं। कभी अगर हम गौर करें और उसमें से खास चीज क्या है, तहज्जुद है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने जो दी है ना वो बड़ी खास चीज है, वो गौर फिक्र करने के लिए। अब उस तहज्जुद की नमाज की डिस्क्रिप्शन बड़ी खूबसूरत यहाँ आ रही है, कुम अल-लैला इल्ला क़लीला, खड़े रहा करो रात को, कुम अल-लैल क़ियामुल लैल, रात को खड़े हुआ करो। एक तो इस्तवाई क़ियामुल लैल ना जो हम यहाँ करते हैं, इसकी अपनी बरकत है, ये पूरा एक तहजीब तमद्दुन क्रिएट करता है हमारा, इकट्ठे खड़े होकर रात को क़ियामुल लैल करना, एक रवायत एक रवाज बनाता है माशरे में। और आस्ता आस्ता अल्लाह का शुक्र है रवाज पढ़ रहा है। कब ये काम करने वाले बड़े लोग काम थे किसी जमाने में, अब देखें माशाल्लाह हर मोहल्ले हर इलाके में आपको कुछ ना कुछ लोग मिलेंगे सारी सारी रात कुरान के साथ अपनी महफिल से जाते हैं। तो एक दो ने इज्तमाई, लेकिन एक अकेले वाला है, तनहाई वाला, इंफरादी वाला, अल्लाह ताला उसकी भी हमें तौफीक अता फरमाए। तो क़ियामुल लैल की बड़ी अहमियत है, रात को खड़े होना। जो बंदा जिस चाहता है ना कि वो रब के दीन पर अदल व इंसाफ पर जुल्म के खिलाफ मैदान में डट के खड़ा हो सके, तो मैदान में डटना चाहते हो, मैदान में खड़ा होना चाहते हो, पहले रात को खड़े हो। तो रात को खड़ा नहीं हो सकता, दिन में भी खड़ा हो सकता, दिन में खड़े होने से पहले रात में खड़े हो। कुमिल लैल, रात को खड़े रहो, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा सा ऐसा निस्फा हो, आधी रात कर लो, अमिन कुस, या थोड़ा कम कर लो, मिन हो उसमें से कलीला, थोड़ा सा ऐसा कम कर लो, अवजे जाने ही या थोड़ा सा ज्यादा कर लो। अब ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। अब देखिए काम बात इतनी अहम आ रही थी, लेकिन उसको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया गया कि आधी कर लो, आधी से थोड़ी कम, एक तहाई कर लो, थोड़ी ज्यादा कर लो, दो तहाई कर लो, यानी कि सिचुएशन टू सिचुएशन, मूड टू मूड, तबीयत टू तबीयत, डे टू डे जैसा मामला हो वैसे कर लो, कोई मसला नहीं। क्यों? ये चीज वॉलंटियर है। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जो हुक्म जितना आला होता चला जाता ना उतना वॉलंटियर होता चला जाता है। ये अल्लाह का खास अंदाज, बेसिक के काम अल्लाह ने फर्ज यान के दर्जे में रखे, हर बंदे ने करना ही करना है। जो आला काम होते चले जाते हैं फिर वो आशिकी के तकाजे होते हैं, वो मोहब्बत के तकाजे होते हैं। तो अब दिन में पांच दफा ऑफिशियली अपना काम छोड़कर आके मेरे से बात करनी है, ये तो आप सफर है लाजिम। लेकिन रात के गए पहर में मुझसे अपनी पर्सनल बातें करनी है, अब ये लाजिम करार दिया तो नहीं ना, ये तो बात बड़ी स्पेशल है ना, लिहाजा ये वॉलंटियर छोड़िए, इसका टाइम भी वॉलंटियर, इसकी दिन की बाकी मसूख है सब कुछ, ये मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाया। और बिलखसूस वो शख्स जो चाहता है कि आज मेरे सुन के मिशन को मैंने अपना मिशन बनाना है, इनफरादी तौर पर जो भी हो मैंने खड़े होकर डटना है, उसके लिए तो ये बड़ी जरूरी चीज है। अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। तो ये बड़ी वॉलंटियर लेवल की चीज है। और देखें रात का जो क़याम है उसकी अपनी निशान है, वरतिल कुरान तरतीला, और रात को करना क्या है, रतिल कुरान तरतीला, पढ़ो कुरान को खूब ठहर 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 ठहर, ये तरतील लफ्ज है ना, बड़ा खूबसूरत है। कुरान को ठहर ठहर के पढ़ो, जिस तरह खूब ठहर ठहर के पढ़ते हैं, इसको आपने थोड़ा इमेजिन करें। आप में से अगर किसी ने कुरान की कोई सूरत याद की हो ना कभी कुरान को देख के, एक तो होता है ना वैसे ही पढ़ते पढ़ते याद होगी, एक जो ऑफिशियली उसने याद की है, वो जब कभी जुबानी पढ़ रहा होता है ना आंखें बंद करके या नमाज में, तो उसको ना लिखा आ रहा होता है सामने, वो पेज हाफज ने याद किया होता है ना, जिस सफ़े का कुरान जितनी लाइनों वाले सफ़े से उतनी लाइनों वाले सफ़े से उसे याद होता है, अगर वो डिफरेंट लाइनों वाले सफ़े से करें उसका सारा मिक्स हो जाता है, तो वो एक पिक्चर चलती है जहन के सामने ना,
अच्छा, अगर आप तेजी से पढ़ेंगे तो वो सफा दूर होता है और तेजी तेजी आप जा रहे होते हैं, अगर आप आस्ता कर देना सफा पास आ जाता है, और आस्ता पढ़े आप एक लाइन फोकस हो जाती है, या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل الا قليلا, एक एक लफ्ज आप और आस्ता कर देना, एक एक लफ्ज बड़ा होता चला जाए, एक एक हर्फ नजर आने लगे, और आस्ता करें उसका एक एक हर्फ ऐसे जैसे पहाड़ है और उसका थोड़ा दिल पे लग रहा है ठोक और दिल पे लगा जंग उतर रहा है, ऐसा है कुरान आराम आराम से बंदा पढ़ता है ना, और ये कैफियत उसे महसूस होता है, वो बिना पहाड़ तले आ गया, इतना भारी कलाम है ये इंसान के दिल पे लगे, पुराने पुराने जंग उतार देता है। आप देखिए मक्के के वो क्या लोग थे जिन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक काम शुरू किया, कितनी सदियों का जंग था उस माशरे पे, उतार फेंका ना कुरान ने, ऐसा है कुरान ने, लेकिन उसके लिए रत्तिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर के आराम, और ये तन्हाई वाली बात है, तन्हाई में पब्लिकली तो और तकाजे होते हैं ना चीज़ों के, लेकिन तन्हाई का जो कुरान है उसके और तकाजे, इन्ना सनुल्की यकीनन हम नाजिल करने वाले हैं अलैका आप पर कौलन थकीला, एक बड़ा भारी कलाम है, इसका मिशन इसके तकाजे इसकी आगे जदोजहद बहुत भारी है, इन्ना नाशियत अल-लैल, और ये कितना भारी है कि अगर ये पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो क्या होता, क्या वो कल्ब मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उसकी शान होगी और क्या हमारे दिल की निशान हो जाएगी अगर हम अपने दिल में कुरान को बसा लें, ये बड़ा भारी कलाम, इन्ना नाशियत अल-लैल, बेशक रात का उठना या अशद्दु अतअन, नस पर काबू पाने के लिए बहुत ही कारगर है, वक्वा मुकीला, और वो भी खूब वक्त है कुरान मजीद पढ़ने के लिए, बात करने के लिए, कौल के लिए, अकील के लिए, बहुत ही खूबसूरत वक्त है, और वाकई आप जरा वक्त है, ये रात का तहजद का जो वक्त होता है वो वक्त होता है जिसमें जो बंदा सारी रात में ना सोया उसे भी तहजद के बाद जाके वो आखिरी पहर होता ना रात का, उसे भी बीमार को करार आ जाता है उधर भी, और एक ना एक जो है वो जोंग लग जाती है उसे, ऐसे मौके पे वो क्या किया करते थे कि डाका डालने के लिए जो उनके अरब के कबाइल थे ना, वो ऐसे मौके पे डाका डाला करते थे और एक दूसरे पर छापा मारा करते थे कि बड़े से बड़ा पहरादार भी इस वक्त जो है वो घूम रहा हो, लेकिन जब खूब इंसान की बिल्कुल पक्की अलग अलग इस वक्त उठो ताकि तुम अपने नफ्स के ऊपर काबू पा सको और अपनी नींद और अपनी सब चीज़ों को कुचल सको, क्योंकि आगे जो तुमने काम करने हैं उसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करनी पड़नी है, तैयार हो जाओ आप, और अकवा मुकीला बात बहुत ही खूब वक्त पढ़ने के लिए, देखिए ना एक होती है बात जो आप किसी से किसी महफिल में करते हैं, एक होती है जो आप उसे अकेले में करते हैं, एक होती है कि बात होते होते रात गए जाके पर्सनल बात किसी से शेयर होती है, क्या उसकी शान होती है, एक और आपकी से बात है जो पब्लिकली होती है, एक है जो उससे अकेले होती है, फिर एक जो रात गए उससे तन्हाई में पर्सनल बात होती है, उसकी तो क्या ही लेवल है उसका, वो अकवा मुकीला इन्ना लगा सुनना हुआ कि सब हंतवीला, अब ये बड़ी खूबसूरत आयत है, यकीनन आपके लिए दिन में बहुत सी मसरूफियात है, उसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, सबहन तवीला, सबहन तो तस्बीह को कहते हैं ना, असल में इसका लफ्ज़ी मतलब होता है तैरना, तैरते फिरना इधर से उधर उधर से उधर, तो दिन में तो आप इधर से उधर कभी इसके पास कभी उसके पास कभी इसको इस सफा पर कभी किसी बाजार कभी किसी मेले कभी उसके घर आप जाते रहते हैं, आपको दिन में बड़ी मसरूफियत होती है, पूरा दिन तो आपका बड़ा मुशक्कत वाला गुजरता है, तो रात को आप ये करें। अच्छा अब इसमें मतलब क्या हुआ मेरा, अगर हम रात को तहज्जुद पढ़ते हैं ना, अगले दिन फिर रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, उससे अगले दिन फिर रात को तहज्जुद पढ़ते हैं, और दिन हमारा वैसा ही गुजरता है जैसा गुजर रहा है, तो हमें तहज्जुद की समझ नहीं आएगी वो क्या रहा है, रात की तहज्जुद की सही फीलिंग लेने के लिए दिन में वो मसरूफियत अख्तियार करनी पड़ती है जो अल्लाह के रसूल की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जब दिन में मसरूफियत बंदा अख्तियार करता है ना, और फिर कभी कोई कहता है कि ये तो कैसी बात कर रहा है, ये तो दीवाना है, ये तो शायर है, सारी बातें सुननी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर रात को बातें इकट्ठी हुई होती है रब से करने वाली, फिर बंदा रब से करता है, रबा फिर बंदा अपने रब से बात करता है, तो फिर बात ही ना वो अगर करने वाली कोई तो फिर क्या फायदा होगा, फिर क्या मजा आएगा, तो अल्लाह ताला हमें दिन की मसरूफियत भी दे ताकि हम रात को फिर बात कर सके, ये इत्तेदाल तवाज़ुन, अल्लाह ताला हमें दोनों चीज़ों में तवाज़ुन नसीब फरमाए, इन्ना लका फिन नारि सबहन तवीला, वो जो कुरिस मरबिक, और अपने रब के नाम का जिक्र किया करो, तो एक तो है ना अल्लाह का जिक्र अल्लाह की याद, फिर कुरान भी अल्लाह की याद है, लेकिन अल्लाह का नाम जो है अल्लाह अल्लाह इसकी भी अपनी एक शान है, रब के नाम को पुकारना, वो कुरिस मरबिक वो तबत्तल इलैहि तबतीला, और सबसे कटकर सिर्फ उसी के हो लो, सारी मोहब्बतें सारे तवक्कुल सारे खौफ सब कुछ काट दे तुम्हारे, तुम सिर्फ एक अल्लाह के बंदे हो, दिल में मोहब्बत है तो सिर्फ उसकी, दिल में खौफ और रोब और दबदबा है तो सिर्फ उसका, दिल में तलब है तो सिर्फ उसकी, ला महबूबा इल्लल्लाह ला मक्सूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह, इस कैफियत में आना, ये है दावत के लिए शर्त अमल, माशरे को तब्दील करना है, उसकी एक बेहतरीन ईंट बनना है, उसके लिए पहला काम है अल्लाह ताला आपको इसके लिए कबूल फरमाए, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, तुम्हारा रब कोई आम रब नहीं है, तुम्हारा आका तुम्हारा रब पता कौन है, रब्बुल मशरिक वल मगरिब, जो रब है आका है मशरिक और मगरिब का, ला इलाहा इल्ला हु, कोई इलाह नहीं सिवाय उसके, फत्तखिदहु वकीला, सो उसे अपना कारसाज बना लो, उसे अपना वाली वारिस बना लो।
अब वकील कौन होता है जिसके जिम्मे आप सारा काम करके खुद इजी हो जाते हैं। अल्लाह को वकील बना लो, सारे अपने काम उसके वाले कर दो, इजी हो, फिर मेहनत करो, जैसे तुम्हारा रब तुम्हें कहता है वस्बिर, और डटे रहना, ये असल काम, वस्बिर, सब्र करो, अल्लाह मा यकुलून, उन बातों पर जो ये कह रहे हैं। अभी ये सिर्फ बातें कर रहे हैं ना, शुरू शुरू का दौर है, अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं, तशद्दुद तो शुरू नहीं हुआ, तेरे बातें भी बहुत चुभती हैं, तशद्दुद से ज्यादा चुभती हैं, लिटरली चुभती हैं ज्यादा, और इज्जत वाले बंदे को ज्यादा चुभती हैं, और सबसे ज्यादा इज्जत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या फील होता होगा। वस्बिर अला मा यकुलून वहजुरहुम हजर जमीला, और उनको नजरअंदाज कर दो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से नजरअंदाज करना, ऐसे नजरअंदाज नहीं करना कि लड़के उनसे लादा हो जाओ तुम अगे अंजो अंजो कर, नहीं, बल्कि बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, कि कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा ना, तुम ऐसे तरीके से उससे लादा हो कि वो भी सोच में पड़ जाए, यार मैंने इसको इतना बुरा भला था और जी इतनी खूबसूरती से मुझसे अलग हो गया, इसने मुझे आगे से कुछ नहीं कहा, वहजुरहुम हजर जमीला, उसका दिल फदा हो जाए अंदर से, खुशहाल है और रहने दो इसी हालत में, कुछ और देना, यकीन हमारे पास उनके लिए भारी भारी बेड़ियां भरती आग है, मतलब आग बंदा उस दिन और हलक में फंसने वाला खाना है, वादा अनिमा और दर्दनाक अजाब है, ये उस दिन होगा जब लर्ज उठेंगे जमीन, वल जिबाल और पहाड़, और कानत जिबाल कसीब महिला, और पहाड़ हो जाएंगे रेत के भुबरे पहले, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला, यकीनन हमने तुम सबकी तरफ एक रसूल भेजा है, शाहिदन अलैकुम, जो तुम पर गवाह है, तुम अरसलना इला फिरौन रसूला, जिस तरह हमने फिरौन की तरफ एक रसूल भेजा था, फासा फिरौन रसूला, तो फिरौन ने नाफरमानी की उस रसूल की, फअखदनाह अखदन वबीला, तो तर लिया हमने उसे बहुत सख्त पकड़ में, तुम कैसे बच जाओगे अगर तुम इनकार करोगे तो, यौमन उस दिन से, शिवा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, और आसमान उसकी दहशत से फटा जा रहा होगा, कान वादुहु मफ़ऊला, ये अल्लाह का वादा है जो पूरा होकर रहने वाला है, इन हाज़िही ज़िक्रा, यकीन करो ये तो एक नसीहत है, ये तो एक याद दहानी है, फमन शा, सो जिसका दिल करता है इत्तखज़ इला रब्बी सबीला, अपने रब की तरफ जाने का रास्ता बना ले, you have choice, you have time, हमेशा तखदा इला रब्बी सबीला, इन रब्बका यालम, यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका रब जानता है, अन्नका तकूम वादना, कि आप खड़े रहते हैं इबादत के लिए, मिन सुलसैल लैल, तकरीबन दो तहाई रात, व निसफहु, और कभी आधी रात, व सुलसहु, और कभी एक तहाई, व तौइफतुम मिनल लजीन मअक, और एक गिरोह भी उन लोगों का जो आपके साथ हैं, जो आपके साथी हैं ना, ईमान वाले जो आपके आपके मिशन में साथ दे रहे हैं, वो भी इस काम में आपके साथ हैं, वो भी रातों को उठ उठ के ये क्याम लैल कर रहे हैं, हजरत बकर हैं, हजरत अली हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत उमर हैं, ये सारे कर रहे हैं, अल्लाह युकद्दिरु लैला वन्नहार, और अल्लाह ने अंदाजे मुकर्रर किए हैं दिन रात के, दिन रात तो अल्लाह ने बनाए, आलिम अल्लन तुरसू, उसे मालूम है कि तुम उसका सही शुमार हरगिज नहीं कर सकते, और तुम इहसा नहीं कर सकते, फताब अलैकुम, सो उसने तुम पर मेहरबानी फरमा दी। अब शुरू में जो ये बहुत ज्यादा लंबा लंबा क्याम लैल था ना, बाद में इसको थोड़ा कम करके तहज्जुद तक महदूद कर दे, और तहज्जुद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लाजिम, बाकी सबके लिए एक नफल की हैसियत में इजाफी तौर पर। अब ये अहम बात बना क्या है, बाज़ औक़ात जब बंदा किसी भी मिशन में नया नया आता है ना, उस वक्त उसको अपने अंदर गौर व फिक्र की और अपने रब के साथ पर्सनल ताल्लुक में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और बड़ी उसे डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, आस्ता आस्ता फिर उसकी मसरूफियात बाहरी वाली ज़ाहरी बढ़ती चली जाती हैं, उसका आना जाना दावत तबलीग में, बाकी काम इतने बढ़ते चले जाते हैं कि फिर वो उतना टाइम नहीं लगा सकता, तो फिर उसे थोड़ा टाइम भी उसके लिए कफायत करता है, तो अल्लाह ताला हमें आवाज़ तो करने की तौफीक अता फरमाए, फिर अल्लाह ताला ने उस मामले को हल्का कर दिया, फकरा बात है सलाम कुरान, लिहाजा पढ़ो जितना तुम आसानी से कुरान पढ़ सकते हो, अलीमन सयकून मिनकुम मर्दा, उसे पता है कि तुम में से कुछ मरीज होंगे, वाखरून यज़रिबून फिल अर्द, और कुछ लोग जमीन में सफर करेंगे, यब्तगून मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल और रिज़्क़ की तलाश में, वाखरून और कुछ लोग होंगे, युकातिलून फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में जंग करेंगे। अब ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं ना आखिरी आखिरी जो रुकू वाली सूरह ज़मीर की, ये बाद में जाकर काफ़ी बाद में जाकर नाजिल हुई, और बिलखसूस उसका कुछ पार्ट जो है ये तो मदीने के ज़माने का फिर नाजिल हो रहा है, जहाँ अल्लाह ताला के रिश्ते में जंग करने की भी बात हो रही है, तो गोया शुरू के माहौल में पूरा और क़ियामुल लैल जो है वो बड़ा एक सख्त पूरा एक काम है, और बाद में जब बाकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर ये पॉसिबल तो नहीं रहता कि आप दिन में सारे भी काम करें, रात को दो दो तहाई तक भी जागेंगे, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने एक इत्तेदाल पैदा फरमा दिया, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه یاد پڑھو جتنا آسانی سے تم اس میں سے پڑھ سکو واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اور نماز قائم کرو اور زکات دو واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسنا قرض دیتے رہو یعنی کہ نماز زکات مطلب جو سٹینڈنگ احکامات ہیں تمہارے اوپر دین کے وہ تم کرتے رہو پورے
और अल्लाह ताला को पस देने का क्या मतलब होता है? अपनी जान माल अल्लाह ताला के रास्ते में खपाना, वो काम करो। उमा तुकद्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने लिए, मिन खैरिन, किसी भी किस्म की भलाई का काम, तजिदहू इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे, हुआ खैरन व अअज़म अजरा, और यही काम बेहतर है और अजर के लिहाज से बहुत बड़े हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो, इन्नल्लाहा ग़फूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह बहुत ज्यादा माफ़ फरमाने वाला, बहुत मेहरबान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़ानज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। हम इस मुद्दस्सिर में तीसरी चौथी जो वही जो नाजिल हो रही है उनमें से एक वही शुरू की इब्तदाई, या फिर अल्फाज क्या है, ऐ ओल्ड लपेट कर लेटने वाले, कुम, अब खड़े हो जाइए, अब गौर व फिक्र का जमाना, अब उससे बाहर आ जाइए, अब आपका एक मिशन, लिहाजा खड़े हो जाइए। तो पहला हुक्म वाला क्या है? कुम, खड़े हो जाइए, ये पहला हुक्म है। पहले इंसान खड़ा हो जाए, क्या मतलब? कमर बांध ले, डट जाए, फैसला कर ले अपनी जिंदगी। तो पहला काम आपका मेरा क्या है कि हम फैसला करें कि हमने अब जिंदगी कुछ गुजारनी है, ऐसी नहीं जिंदगी गुजरेगी जिस तरह गुजरती रही है, अब तो कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी, अब तो कुरान मजीद के मिशन के मुताबिक जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह ताला आपको मुझे फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, खलो जाओ, पहला तो काम ये है, और खबरदार करो। तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या है? खबरदार करना, लोगों को वार्न करना कि तुम जो रवैया अख्तियार कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ज़ुल्म सितम बंद करो, अल्लाह की नाफरमानियां बंद करो, इसके नतीजे अच्छे नहीं है, ना दुनिया में ना आखरत में। ये अदालत तबलीग का पूरा एक काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में किया और उसके बाद भी करते रहे। अब ये खबरदार करने के मुख्तलिफ अंदाज है ना, एक वो है कि आप बातों से समझा रहे हैं कैसे ना करो, इसके नतीजे ठीक नहीं निकलेंगे। फिर एक वक्त क्या आ जाता है, मदीने में जाके पूरा एक निज़ाम कायम हो जाता है और सबको खबरदार कर दिया जाता है कि आप बंदे के पुत्र बन जाओ, ऐसे नहीं करना तुमने, और रब्बका फकब्बिर, और अपने रब ही की बड़ाई का ऐलान करो, अपने रब को बड़ा करो। ये बड़ा खूबसूरत अल्फाज है, जरा देखिए, रब्बका फकब्बिर, इसमें से अगर आप वाओ को निकाल दें तो रब्बका फकब्बिर जो बचेगा ना, उसको आप उल्टा पढ़े सीधा पढ़े, बात वही है, रब्बका फकब्बिर, कितने खूबसूरत, बड़ी ही खूबसूरत और जामे आयत है। और इसका मतलब क्या है? कब्बिर कहते हैं बड़ा करने को, कब्बर कब्बिर तकबीर से जब सिगा अमर बनेगा ना, तो उसका मतलब होगा बड़ा करें। अच्छा, तकबीर में जब मतलब होता है तो उसका मतलब होता है तसलसल के साथ मुस्तकिल दर्जा बदर्जा बड़ा करते चले जाना, यानी कि आपके दिल पर तो उसकी बड़ाई कायम है, आपके किरदार पर भी उसकी बड़ाई कायम है, अब उससे आगे बढ़कर आपने अपने माशरे में उसकी बड़ाई कायम करनी है, और उससे बढ़कर पूरे अरब पर अल्लाह की बड़ाई कायम करनी है, उससे आगे बढ़कर पूरी दुनिया पर अल्लाह की बड़ाई कायम करनी है। ये स्टेप्स हैं उसके पूरे, अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ स्टेप्स समझने की तौफीक अता फरमाए। और फिर होना तो ये चाहिए था कि कब्र रब्बका, बड़ा करो अपने रब को, फेल पहले आता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ क्या है, रब्बका फकर, अपने रब को भी बड़ा करना है, किसी और की बड़ाई कायम नहीं रहने देनी, बाकी सब जो बड़े बड़े बैठे हैं वक्त के फिरौन, इनको नीचे कर देना, रब्बका फकब्बिर, सिर्फ ऊंचा होगा तेरे रब का नाम। ये है वो जो सहाबा ने फिर करके दिखाया है कि कभी पत्थर के नीचे भी है तो अहद और अहद, और एक जमाना आया है कि सारे बुत तोड़ के हजरत बिलाल ऊपर चढ़ गए और ऐलान कर दिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा, इधर कोई और बड़ा नहीं, अब सिर्फ यहाँ अल्लाह की बड़ाई चलेगी, अल्लाह का हुक्म चलेगा, किसी को किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं होगी। ये है जो दर्जा बदर्जा अल्लाह की बड़ाई ऊपर से ऊपर जाती है। तो एक वो है जो बंदा नमाज में अल्लाह अकबर कर रहा होता है, फिर एक मरहला आता है कि वो 313 मैदान में खड़े होकर नारा मारते हैं अल्लाह अकबर, फिर वो फतह मक्का के बाद जाते हैं और फिर पूरे अरब के गोशे गोशे में जाके कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर इराक, फिर ईरान, फिर शाम, फिर फलस्तीन, फिर मिस्र, कहाँ कहाँ जाते हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को जाके बता देते हैं कि तुम बड़े नहीं हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। ये अल्लाह ताला हमें ये वाली तकबीर नसीब फरमाए जो असल तकबीर है, अल्लाह ताला हमें इस तकबीर के लिए कबूल फरमा ले। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन अल्लाह की अज़ाओ और मुजाहिद की अज़ाओ और ये अल्लाह अकबर की भी अपनी अपनी शान है। तो अगर ये करना है तो उसके लिए करेक्टर वाला कैसा होना चाहिए, ये बड़ा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें फैसला कर लेते हो कि पहला काम तो ये कि मेरे को खड़े हो जाने, अपनी जिंदगी एक मिशन के तहत बुलाए, अब जिंदगी मिशनरी गुजरेगी, अब जिंदगी ऑर्डर है नहीं गुजरेगी, सीधी सीधी बात, पहले तुझे कुम है, और वो मिशन क्या होगा, फांदर खबरदार करो रे इस कुरान के जरिए, और अपने रब को बड़ा करना तुम्हारा असल मिशन है, अदल इंसाफ का, दीन हक का क़याम और ज़ुल्म का खात्मा तुम्हारा मिशन है। अब तुम्हें कैसा होना चाहिए भला, बस याम का फतहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखो। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितने पाकिजा होंगे, दादा करें, बस याम का फतहिर, अपने कपड़ों को पाक साफ रखो, मजीद पाकिजगी दर पाकिजगी के अहकाम हैं, और रुज फजर, और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर कर लो, ज़ाहरी बातनी फिक्र की, ख्याल की, जज्बात की, नफ्सियात की, किसी भी किस्म की, सब गंदगियों से पाक होते चले जाओ। वला तमनुन तस्तकतिर, और मत एहसान करो इस गर्ज से कि ज्यादा फायदा हासिल हो। इसको हम अमरे अपने माहौल में क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब मेहनत करते चले जाओ, कुर्बानी करते चले जाओ, लेकिन तवक्को इनसे नहीं लगानी, दुनिया वालों से कोई तवक्को तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, तवक्को तुम्हारी किससे होनी चाहिए, रब की जात से।
नतीजे उसने निकालने हैं, अजमत उसने तुम्हें देनी है। दुनिया वालों से कोई नतीजे की और सिने की परवाह नहीं करो। वला तमनुन तस्तकबिर वली रब्बिका फस्बिर, और आखिर में फिर अहम बात, और अपने रब की खातिर सब्र करो। या फिर अल्फाज देखें जरा, फेल बाद में है, रब्बिक पहले है, तो बस अपने रब की खातिर डट जाओ, उधर खड़े हो अपने रब का फस्बिर। फैदा लोगे रफिंदा को, फिर जब फूंक मारी जाएगी सूर में, फदालिक यौम यौमुन असीर, तो यही दिनों का बड़ी मुसीबत का दिन, अलिल काफिरीन गैरु यसीर, काफिरों के लिए जिसमें जरा भी आसानी नहीं होगी। दरनी उमर खलकतु वहीदा, छोड़ दो मुझे उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, वजअलतु लहु माल ममदूदा, और उसको ढेरों माल दिया, वबनीन शुहूदा, और हाजिर रहने वाले बेटे दिए, वमहदतु लहु तमहीदा, और उसके लिए सरदारी की राह हमवार की, उसे दुनिया में स्टेटस दिया, उसे बड़ा नाम दिया, थुम्मा यदउ अन अज़ीद, फिर भी वो ये ख्वाहिश रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। अल्लाह नहीं नहीं, इन्नहु काना लि आयातिना अनीदा, वो तो हमारी आयात से सख्त दुश्मनी रखने वाला है, सअल्हिकुहु सऊदा, अनकरीब में इसे एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ाऊंगा, इन्नहु फक्कर व कद्दर। अब ये पूरे एक शख्स की कैफियत है, वलीद बिन मुगीरा जो हजरत खालिद बिन वलीद के वालिद हैं, उनका जिक्र है। वो आप सुनसम को आके तंग भी करता था और गलत मशवरे देने की भी कोशिश करता था, मुफ्त के मशवरे देता था आके, मैं बड़ा सियाना हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करके करें तो सही रहेगा। अल्लाह ताला को इस शख्स पर बहुत, जैसे कहते हैं, गजब बढ़ता है इस शख्स पर। अल्लाह ताला ने पीछे सूरह नून में भी इसका जिक्र आया, फिर आया, और इस तरह का पूरा ये करैक्टर है, जितने वलीद बिन मुगीरा नहीं तो पूरा एक करैक्टर होता है। और जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम को कबूल किया तो आप देखें उनका क्या कुर्बानी थी उनकी, कि उनको जब हजरत अम्मार सिखा रहे थे, कि हजरत सालिम सिखा रहे थे उन्हें कुरान पढ़ना, तो उन्होंने कहा पहले मुझे वो वाला हिस्सा सिखाओ जिसमें मेरे वालिद का जिक्र आया। उन्होंने कहा खालिद फिर किसी दिन सीख लेंगे, पहले दिन सीखने का क्या, उन्होंने कहा नहीं पहले मुझे वो सिखाओ ताकि मेरे दिल में अगर कोई चीज़ बाकी रह गई तो आज खुच ही जाए, आज काम पूरा रहे, मुझे पहले वो सिखाओ। और फिर उन्होंने जब सिखाया खालिद कांपने लग गए पढ़ते हुए, और फिर उन्होंने वही अपने जो साथी थे अकरमा हजरत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे कहा करते थे, देखो हमारे दोनों के वालिद जो हैं, एक के वालिद अबू जहल, एक के वालिद वलीद बिन मुगीरा, हमारे दोनों के वालिद इस्लाम की दुश्मनी में चले गए और जन्मी हो गए। अब अगर हम इसी असलियत में बैठे रहे कि जी चूंकि हमारे वालिद तो इस पर थे, हम भी बैठे थे, हम भी उधर ही चले जाएंगे और क्या होगा, तो हमें तो सुधरना चाहिए। कौन अकलमंद कहेगा हमें कि अगर हम उन्हीं के पीछे चलते रहे, तो हमें तो हक पता लग गया ना, हमें अब हकों को कबूल करना चाहिए। और फिर क्या डांट के उन्होंने कबूल किया, अल्लाह ताला उन्हें उनकी शाने ही शाने, अल्लाह ताला उन्हें अजर से नवाजे। लेकिन ये जो पूरी कैफियत है ना, ये बड़ी सख्त कैफियत, अल्लाह ताला ने कैसे उसको पूरा जवाब दिया। और ये जो आगे आयात आ रही है, ये पूरा सीन है कि एक वक्त था वलीद बिन मुगीरा गया आसम रसम से बात करना, और बात करके बल्कि एक दफ़ा मशवरा हो रहा था कि आसम रसम के बारे में क्या चीज़ अख्तियार करें, बाहर से जो हज वाले आएंगे उनको हमने कोई ओपिनियन बना के देनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। अगर हमें से कोई कहेगा कि शायर है, कोई कहेगा कि मजनून है, कोई कहेगा जादूगर है, तो फिर तो बारह लोग कहेंगे ऐसे हम खुद देख लेते हैं क्या है, पर अगर उन्होंने खुद देख लिया तो फिर तो वो आशिक हो जाएंगे उनके लिए। आजा उन्हें खुद देखने नहीं देना, उन्हें दूर रखना है, तो हम खुद कोई अपना कोई कॉमन पॉइंट रखें। अब उसके लिए जब वो मशवरा कर रहे थे ना, तो ये रीजन वगैरह भी बड़ा सियाना बंदा मान के ना गौर कर रहा था कि गौर करते हैं क्या करें। अब गौर करने का जो इसने स्टाइल बनाया, जो शक्लें बनाई ना इसने, अल्लाह ताला ने वो भी प्रॉब्लम में उतार दिया। इन्नहु फक्करा व कद्दरा, वाक्य ये कि इसने सोचा, कुछ बात बनाने की कोशिश की, और कुतिला कैफा कद्दरा, सो बेड़ा घर को इसका कैसी इसने बात बनाई, थुम्मा कुतिला कैफा कद्दर, फिर बेड़ा घर को इसका कैसी इसने बात बनाई, थुम्मा नज़रा, फिर नजर दौड़ाई, थुम्मा आबसा वबसरा, फिर परेशानी से घेरी और मुंह घुसोड़ा, थुम्मा अदबरा वस्तकबर, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया, वकाला, और आखिरकार बोला, इन हादा इल्ला सिहरुन युसर, ये कुरान तो कुछ भी नहीं है मगर एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है, इन हादा इल्ला कौलुल बशर, ये कुछ भी नहीं है मगर इंसानी कलाम है, सौ सुनी सफर, अनकरीब हम इसे जहन्नुम में झोंकेंगे, सफर तुम्हें क्या पता जहन्नुम क्या है, ना दुखी वा ना तदर, जो ना बाकी रहने देती है ना छोड़ती है, लवाहतुल बशर, झुलसा देने वाली है खाल को, अलीहा तिसअत अशर, उस पर 19 दरों के मुकर्रर हैं। और जो 19 तादाद बताई ना, तो अब कुरैश के जो काफिर थे मुश्रिकीन थे उन्होंने इसका मजाक बनाने लगे, तो बस 19, एक सरदार ने कहा 3-4 तो मैं फाड़ लाँगा, 3-4 तो फाड़ने फिर निबड़ लाँगे, मतलब इस तरह की बातें उन्होंने की बदबख्तों ने। तो अल्लाह ताला ने जो तादाद बताई थी इसका भी एक मकसद था। अब जब ये तादाद बताई तो एक जहन में सवाल पैदा होता है ना कि तादाद का बताने का क्या मतलब, अब अल्लाह ताला उसकी हिकमत बता रहे हैं, उमा जानना असहाब नारी ला मलाइका, हमने दोजख के निकालकर जो दरोगे हैं ये फरिश्ते ही बनाए हैं, फरिश्तों को मुकर्रर किया हमने दोजख के दरोगों के तौर पर, उमा जानना इद्दतहुम इल्ला फितना, और इनकी तादाद को हमने सिर्फ एक आजमाइश के तौर पर बनाया और इनको बताया है, लिल्लज़ीना कफरू, काफरों के लिए एक आजमाइश है, लियस्तयक़िना लज़ीना ऊतुल किताब, ताकि यकीन कर लें इसका वो लोग जिन्हें किताब दी गई थी, पिछली किताब में मौजूद था कि जहन्नम के इतने दरोगे हैं, तो जब कुरान में भी उसकी वही तादाद बताई गई तो एक दफ़ा कान तो खड़े हो गए होंगे ना पिछली किताब वालों के, लगता है सच्ची किताब आ रही है, इसमें भी वही बात आ रही है हमारी किताब में। व
اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے. اولائے ارتام الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون اور شک میں نہ رہے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی اور ایمان والے. وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون اور کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کافر لوگ یہ کہیں مارا اللہ بہذا مثلا, اللہ آخر اس مثال سے چاہتا کیا ہے؟ تداری کے دل اللہ و یشا, اسی طرح اللہ جیسے چاہے گمراہ کرتا ہے وہ میں یشا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو اور تیرے رب کے لشکروں کو تو صرف اور صرف وہی جانتا ہے. وما هی الا ذکرٰ للبشر بولے دوزخ کا ذکر تو صرف ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے. طلع والقمر نہیں قسم ہے چاند کی. واللیل اذا ادبر اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے. والصبح اذا اسفر اور قسم صبح کی جب وہ روشن ہو جاتی ہے. انھا لاحد الکبر یقیناً دوزخ ایک آفت ہے بہت بڑی آفتوں میں سے. نذیر للبشر ڈراوا ہے انسانوں کے لیے. چاند اس رات دن سب اس بات پر گواہ ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور بہت بڑی چیز ہے. لمن شاء منکم ہر شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے ان یتقدم او یتاخر کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے. فیصلہ کر لو تم نے آگے بڑھنا ہے پیچھے رہنا ہے. تم نے فوراً سے آگے بڑھ کے حق کو پا لینا ہے یا پیچھے پیچھے رہ کر غافل ہو جانا ہے محروم ہو جانا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے بدلے میں رہنا ہے. ہر بندے کو وہاں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑنا ہے. الا اصحاب الیمین سوائے دائیں بازو والوں کے کیا شان ہوں گی. فی جنات جنتوں میں ہوں گے. یتساءلون اور پوچھیں گے عن المجرمین مجرموں سے ما سلککم فی سقر کیا چیز نہیں دی تمہیں جنت میں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ چنگے بڑے سیانے بندے لگ جائے تھی تیرے کو گل پہنچی گئی کسی پھر جنت چ پہنچ گئے تھی کی ہوا ایسے ما سلککم فی سقر. بندہ کوئی کسی کا بہت نقصان ہوئے بندہ پوچھتا ہے کی ہوا ایسے پھر وہ بتاتا ہے اپنی کہانی کہ انجو ایسے. اب جنم والوں سے پوچھیں گے کیا ہوا تم جنم میں کیوں پہنچ گئے. قالوا وہ کہیں گے لم نکن من المصلین ہم نمازیوں میں سے نہ ہوئے. ولم نکن نطعم المسکین اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین اور ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں بناتے تھے گلا مارتے سر سے. وکنا نکذب بیوم الدین اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا موت آ گیا. فما تنفعهم شفاعة الشافعين سو ان کو آپ سفارش کرنے والوں کی سفارش نے کوئی فائدہ نہیں دیا. فما لهم عن التذكرة معرضين آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں منہ پھیر رہے ہیں. کانہم حمر مستنفرة گویا کہ وہ جنگلی گدھے ہوتے ہیں ناس پہنے نے. فرت من قسمرہ جو بھاگ پڑے ہوئے شیر کی آہٹ سے جب شیر آیا سارے دوڑ گئے. یہ ایسے دوڑ رہے ہیں آپ سے آپ انہیں حق کی طرف بلا رہے ہیں آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں ان کو تو چاہیے فٹافٹ آئے آپ کی بات سنیں. یہ آپ سے دور دوڑ رہے ہیں. بل یرید بلکہ چاہتا ہے کل مرین منہم ان میں سے ہر ایک شخص ایوں تا صحف منشرہ کہ اسے بھی کھلا صحیفہ دے دیا جائے. ہر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کتاب نازل کر دے نا میرے پاس میں خود پڑھ کے دیکھ لوں تو میں مان لوں آپ کے اوپر نازل کی تو میں کیوں مانوں. کلا بل لا یخافون الاخرہ نہیں نہیں اصل مسئلہ بلا کیا ہے یہ آخر سے ڈرتے نہیں یہ بے خوف ہوں اصل بات ہے. نہیں تو فرض کریں 10 اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ سارے خوف میں ہیں اپنے امتحان سے اور اس سے اور پتہ نہیں کیا سوال آئیں گے اور کیا ہوگا. ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے سب سے زیادہ سیاح ہے اس کو فرض کریں پتہ لگ جاتا ہے ٹیچر بتا دیتا ہے کہ بھی یہ سلیبس ہے پیپر کا وہ آ کے سب کو بتاتا ہے تو ساروں کو کیا چاہیے فٹافٹ اس کی بات سنیں فٹافٹ پتہ کریں. اور جو کہہ رہے ہیں نہیں جی مجھے بھی بلا کے بتائیں گے تو پھر میں سنوں گا وہ تیسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں نے تمہارے مجھے بھی بلائے گا. ہر بندہ ہی اس طرح بنا پھر رہا. اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو رسول بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو رسول بنایا اس کے ذریعے پیغام تو بھی دے دیا. اگر تمہارے اندر واقعی آخرت کا خوف ہوتا حساب کا خوف ہوتا تو تم فٹافٹ تیاری کو لپکتے. تم ڈرتے نہیں ہو اصل میں آخرت سے اللہ کے حضور پیشی کا تمہیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اللہ انہ تذکرہ خبردار دے تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ سے جس کا دل کرتا ہے سبق حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان شاء اللہ اور جن لوگ سبق حاصل نہیں کریں گے اس سے الا یہ کہ اللہ چاہے. ان کو توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ملنی ہے اور ان کے جو کردار ہیں جو کرتوت ہیں اس کی وجہ سے ان کی توفیق ہی بند ہو گئی. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ وہ ڈرنے کے لائق ہے اور وہ بخشش کا مالک ہے. یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہے. ہوا اہل التقوی کیا مطلب وہ اس لائق ہے کہ تم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا کہیں اس کی نافرمانی تو نہیں ہو جائے گی. اب دوسرے الفاظ میں وہ اہل تقویٰ کا کیا مطلب ہے صرف وہ ہستی ایسی ہے جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے. اگر کسی اور سے تم ڈرتے ہو نا کوئی کام کرنے سے پہلے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ ایسا کر دے گا وہ ویسا کر دے گا چاہے انفرادی طور پہ چاہے اجتماعی طور پہ کوئی ملک ہو کوئی امتیں ہو اگر ان کے دلوں میں دوسروں کا ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا وہ ہمیں پتھر کی زمین میں بچا دے گا وہ ایسا کر دے گا اس نے ہمیں دھمکی دے دی تو پھر تو ہو گیا تمہارا کام. اور وہ اہل المغفرہ اور وہ بخشش کا مالک ہے وہ اہل المغفرہ ہے اس سے انسان کو مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ وہ انسان کو معاف کر دے. انسان کو اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے کسی اور سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی اور کہے کہ ہم پھر تمہیں معاف کر دیں گے اور پھر ہم تمہیں نہیں تو ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. نہیں یہ صرف اللہ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید نصیب فرمائے. آمین.